गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हमने क्लास फर्स्ट ली थी बिजनेस इकोनॉमिक्स के बीकॉम पार्ट फर्स्ट की। आज हम क्लास सेकंड ले रहे हैं जिसमें हमने कल ये पढ़ा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में एक बार वापस से डिटेल्स देख लेते हैं। अर्थशास्त्र मैंने आपको बताया था धन का अध्ययन करना, धन मतलब मनी और शास्त्र का मतलब किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद में हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति पढ़ी थी। मैंने कल आपको बताया था कि अर्थशास्त्र की प्रकृति 3 क्वेश्चंस पर डिपेंड करती है। कल हमने पढ़ लिया था अर्थशास्त्र क्या विज्ञान है, विज्ञान है इसके अंतर्गत मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी अर्थशास्त्र विज्ञान कहता है, क्योंकि जिस प्रकार से एक बार से वापस पुनः देख लेंगे, जिस प्रकार अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हम नियमों तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, कारण और परिणाम जानते हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी अगर हम कोई नियम या कोई तथ्य देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान छुपा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था मांग और पूर्ति का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, उत्पत्ति नियम आदि। अब उसके बाद आज हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र क्या विज्ञान है, हाँ तो वास्तविक या आदर्श। तो वास्तविक विज्ञान है या विज्ञान? चलिए देखिए, अर्थशास्त्र विज्ञान है ये तो आप सबको पता है, लेकिन वो कौन सा विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान है, या फिर दोनों ही है? चलिए लेट्स सी। तो हम इसमें सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वास्तविक विज्ञान के बारे में, कि वास्तविक विज्ञान क्या कहता है। देखिए वास्तविक विज्ञान वस्तु स्थिति का अध्ययन है। और यह बताता है कि क्या है, मींस व्हाट इज। और क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। इसके अंतर्गत नहीं आता। इट मीन्स देखिए, हम वास्तविक ज्ञान क्या बताते हैं, क्या है कि कोई भी चीज है तो क्यों है ये तो बता देगा, लेकिन क्या होना चाहिए, उससे क्या कॉजेज हैं, क्या है, वो सब नहीं बताएगा। ठीक है, इसका मतलब यह केवल किसको बताता है, कारण और परिणाम के संबंध को। यथावत व्यक्त करता है। क्या बताता है, सिर्फ किसको बताएगा, कारण और परिणाम। वास्तविक विज्ञान हमें यह बताता है कि क्या होना चाहिए, अर्थात उसके क्या कारण है और उससे क्या परिणाम हो सकते हैं। कोई डाउट?
देखिए इसके बाद में एक बहुत अच्छा क्लोज दिया है जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए लिखती हूँ मैं, वास्तविक विज्ञान की तुलना उस दीप स्तंभ से की जा सकती है जो जहाजों को रोशनी दिखाकर उन्हें चट्टान का संकेत देता है। पर यह नहीं बताता कि जहाज पूर्व में जाएगा या उत्तर में। इस कोटेशन से आपको ये बात समझ आ रही होगी कि वास्तविक विज्ञान क्या कहता है कि आपने देखा होगा जहाज में एक रोशनी दीप जलता रहता है आगे, वो क्या बताता है कि आगे चट्टान है या नहीं है। पर ये कभी नहीं बताएगा कि जहाज को पूर्व दिशा में जोड़े पश्चिम दिशा में ले जाए। वो किसको देखना होता है? जहाज जो चला रहा था नाविक उसको। तो सिंपल सी बात है, वास्तविक विज्ञान आपको बताता है कि क्या है पर ये नहीं बताएगा कि क्या होना चाहिए। तो वैसे रोशनी तो दिखा देगा पर उसके पूर्व में क्या होना चाहिए उसके बारे में वो जानकारी नहीं देगा। आ गई बात समझ में? अगला पढ़ेंगे आदर्श विज्ञान। आदर्श विज्ञान क्या कहता है? आदर्श विज्ञान कारण और परिणामों के संबंधों को नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से देखकर उचित आदर्शों की प्राप्ति करता है। करता है अर्थात ये बताता है कि क्या कारण और परिणाम को किससे जोड़ते थे? नीति नॉर्म से, जो मैंने ऊपर बताया था। वास्तविक विज्ञान बताता है कि क्या होना चाहिए और ये क्या बता रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वापस से समझ लीजिए, आदर्श विज्ञान कारण और परिणाम के संबंधों को नीति शास्त्र के दृष्टिकोण में देखकर उचित आदर्शों की प्राप्ति करता है। अर्थात कि क्या होना चाहिए, मतलब अगर कोई बात बोली जा रही है तो उसका फ्यूचर में क्या होना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट? अब हम
थर्ड बात करेंगे, पहला पढ़ा था विज्ञान है, सेकंड वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान, अब थर्ड पढ़ेंगे क्या अर्थशास्त्र कला है। देखिए कला क्या होती है, किसी भी कार्य को किस तरीके से किया जाए वो क्या कहलाता है, कला। अब अर्थशास्त्र कला कैसे हो सकती है, देखिए कला के लिए क्या कहा गया है, कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों या आदर्शों की प्राप्ति के लिए विधियों या उपायों का ज्ञान कराती है। अतः कला का अर्थ किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया है। देखिए कला क्या होता है, कला ज्ञान की वह शाखा है जिसमें निश्चित उद्देश्यों या आदर्शों की प्राप्ति के लिए विधियों एवं उपायों का, अर्थात कला क्या है, किसी कार्य को आप किस सर्वोत्तम ढंग से कर सकते हैं या नहीं उस पर डिपेंड। ध्यान रखिए इसलिए कहा जाता है कि कला एक ऐसा पुल है, ध्यान रखिए इसकी एक बात कि कला क्या है, किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से, इसलिए कला क्या करती है, जो हमारा वास्तविक विज्ञान है और आदर्श विज्ञान उन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, कला। अर्थात कला क्या करती है, एक पुल बना देती है कि वो काम कैसे होगा। आई बात समझ में, वापस से समझ लीजिए, कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों या आदर्शों की प्राप्ति के लिए विधियों या उपायों का ज्ञान, अर्थात कला क्या है, किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया है। अर्थात वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान को क्या करती है, कला एक पुल का निर्माण करती है ताकि दोनों को जोड़ सके। कोई डाउट, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आगे बात समझ में आप सभी को कि अर्थशास्त्र की प्रकृति को तीन भागों में बांटा गया है, क्या विज्ञान है कला है, या विज्ञान है तो आदर्श है या वास्तविक विज्ञान है। एनी डो, अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अर्थशास्त्र की सीमाएं, आपको एक बात अच्छे से पता होगी, अगर हम किसी बात के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो साथ ही साथ उसमें कुछ क्या होते हैं, लिमिटेशन होते हैं। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उनमें क्या छुपी हुई होंगी, लिमिटेशन अर्थात सीमाएं छुपी होंगी।
तो आइए पढ़ते हैं आगे। सीमाएं मतलब चलिए देखिए, पहली लिमिटेशन है अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। क्या कहता है, क्या सीमा है? आपको पता है अर्थशास्त्र किसके द्वारा संभव होता है? केवल मानव के द्वारा, अन्य किसी प्राणी या जीव जंतु के द्वारा नहीं। तो ये एक लिमिटेशन हो गई कि अर्थशास्त्र अगर करना है तो सिर्फ कौन कर सकता है? मानव ही उस क्रिया को संपद, क्योंकि मानव के पास क्या होता है? दिमाग, और वह अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन या उन नियमों को दे सकता है, अर्थात मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हमने क्या बनाया है? अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा संपन्न है? केवल मानवीय क्रियाओं के, अर्थात सिर्फ मानव के द्वारा ही संभव है। अगला टॉपिक है, अगली लिमिटेशन है अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। देखिए, ये सबसे बड़ी एक लिमिटेशन है। आपको पता है, मैंने जब पढ़ाया था तभी बताया था कि अर्थशास्त्र किससे मिलकर बना है? अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थात धन का अध्ययन करना। तो सिर्फ अर्थशास्त्र किसको बताता है? आर्थिक क्रिया है। उसके अलावा अर्थशास्त्र में कार्य करने वाले लोगों की कुशलता, निपुणता, उनके कार्य का कला, उनकी गुणवत्ता, उनकी भलाई, उनके बारे में अध्ययन नहीं करता। अर्थशास्त्र केवल किसकी बात करता है? मनी की, अर्थात जो जो ट्रांजैक्शन केवल मनी में हो सकते हैं, अर्थात रुपए में लेन देन हो सकता है, उनका ही क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। बाकी आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स उनका अध्ययन नहीं करता। अर्थशास्त्र में केवल किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है? अर्थ को, अर्थात मनी को, कि मानवीय क्रियाएँ की जाएंगी या नहीं। देखो, आपको पता होता है कि हमारे साधन कैसे होते हैं? सीमित, और उन सीमित साधनों की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? आर्थिक क्रियाओं। तभी तो हम हमारे वॉन्ट्स को क्या कर सकते हैं? पूर्ति कर सकते हैं, अर्थात हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं कि वो काम वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई डाउट? देखो, आर्थिक क्रियाओं के कारण ही क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग तथा निर्णय ले सकते हैं। हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? आर्थिक क्रियाओं के द्वारा कोई भी, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोई भी डिसीजन तुरंत ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आप एक शॉप पे गए और एक ड्रेस की कीमत है 5,000 रुपये, लेकिन आपके पर्स में सिर्फ कितने रुपए हैं? 4,000। तो आप ये डिसीजन, आप उस ड्रेस को ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ पैसे कितने हैं? 4,000 रुपये हैं। इसी की जगह अगर आपके पास 10,000 रुपये होते तो आपके पास ये डिसीजन, आप ये निर्णय ले सकते कि मैं उस वस्तु को खरीदूं या नहीं खरीदूं। तो अर्थशास्त्र हमें क्या बताता है? डिसीजन लेने की पावर देता है। आई बात समझ में? थर्ड लिमिटेशन पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र सामान्यिक वास्तविक एवं सामान्य मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है। क्या है? सामाजिक
क्या कहता है अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र ये बताता है कि अर्थशास्त्र कैसा है, सोशल, वास्तविक और सामान्य मनुष्य। अर्थात अर्थशास्त्र केवल क्या करता है, केवल सामान्य मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं, अर्थात जो नॉर्मल पीपल है जैसे कि हम जैसे, उनकी आर्थिक क्रियाओं का समाज में एक अविभाज्य अंग के रूप में करता है। अर्थात समाज में बहुत सारे लोग विद्यमान होते हैं लेकिन फिर भी वह कार्य किसके लिए करेगा, समाज में रह रहे लोगों के लिए। किस पे बात नहीं करेगा, कल्याणवादी। अगर हम कल्याण के रूप में कोई बात कर रहे हैं तो वो बात नहीं करेगा, वो क्या कहेगा कि उसका कल्याण के लिए पैसे ना हो, कि हमारे पैसे किसके लिए होने चाहिए, सामान्य समाज के लिए होने चाहिए, ना कि कल्याणकारी संस्थाओं के लिए। आई बात समझ में? अब फोर्थ पढ़े। ये चीज अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान, तथा कला तीनों है। क्या बोल रहा है? अर्थशास्त्र क्या है? वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान है और कला है। देखिए, आपने ये तीनों टॉपिक पहले ही बता दिए थे। अर्थशास्त्र में ना तो केवल हम वास्तविक विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, ना केवल आदर्श, तीनों का क्या है अर्थशास्त्र, मिला जुला रूप है। इसीलिए हम उद्देश्यों और सिद्धांतों को किसके अनुसार बता सकते हैं, इन तीनों के रूप में। पर्टिकुलर कोई एक चीज़ ना होके अलग अलग रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। आई बात समझ में? इसीलिए ध्यान रखिए कि अर्थशास्त्र की चार सीमाएं हैं। पहली, अर्थशास्त्र में केवल किनका अध्ययन किया जाता है, मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया, अर्थात मानव के द्वारा ही क्रिया सम्मिलित है, अर्थात पशु पक्षी रोबोट या अन्य जीवकों के द्वारा अर्थशास्त्र संपन्न नहीं हो सकता। सेकेंड, अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाएँ मतलब जो क्रियाएं किससे रिलेटेड हों, मनी से, पैसे से रिलेटेड क्रियाएं हों, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। थर्ड, अर्थशास्त्र सामाजिक, वास्तविक एवं सामान्य मनुष्य की क्रिया है। अर्थशास्त्र कैसा करता है, सिर्फ सोशलाइज होके, रियल होके और सामान्य मनुष्य का, वो किस पे ध्यान नहीं देता, कल्याणकारी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसमें पैसा फालतू खर्च होता है। अर्थात अर्थशास्त्र में किसकी बात की जाती है, हमेशा आपको पता है, प्रॉफिट की। और कल्याण के द्वारा क्या नहीं हो सकता, प्रॉफिट अर्न नहीं हो सकता। आई बस समझ में? फोर्थ है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान तथा कला तीनों है। अर्थात इसमें वास्तविक विज्ञान के रूप में आदर्श विज्ञान और कला तीनों माना जाता है, किसी एक का अध्ययन नहीं किया जाता। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है अर्थशास्त्र का ब्रीफ शॉर्ट में नोट्स, वो अब एक बार वापस से सारी चीज़ों का जो मैंने दो क्लासों में पढ़ा है उसका एक 5 मिनट में शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। देखिए, वापस से समझिए, अर्थशास्त्र में मैंने क्या बताया था, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, धन का अध्ययन, अर्थात धन प्लस शास्त्र किसके शब्दों से मिलकर बना है, संस्कृत भाषा के शब्द से मिलकर बना है, धन प्लस शास्त्र। धन मतलब मनी और शास्त्र मतलब मनुष्य के द्वारा किसी कार्य में टेक्निकली अप्रूव, अर्थात उस कार्य को किस रूप में करना, टेक्निक के रूप में करना ही क्या कहलाता है, शास्त्र। कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद मैंने आपको उसकी कुछ परिभाषाएं लिखवाई थी, क्या, एक बुक के बारे में बताया था कि एडम स्मिथ जो पहले अर्थशास्त्री थे उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 77-6 में बताया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और उन्होंने क्या कहा था उसमें, किसका अध्ययन किया था, धन का अध्ययन किया था, अर्थात धन के बारे में बताया था।
उसके बाद मार्शल ने एक परिभाषा दी थी, अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन की आर्थिक, मनुष्य जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थात अर्थ क्या बताता है, मार्शल ने क्या कहा कि मनुष्य जीवन की जितनी भी व्यापार से संबंधित क्रियाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, इसके अंतर्गत, कोई डाउट। अगला रॉबिन्सन ने परिभाषा दी थी, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित आवश्यकताओं एवं वैकल्पिक प्रयोग वाली सीमित साधनों से संबंधित मानवीय आचरणों का अध्ययन है। उसके बाद हमने कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के नाम बताए थे, जैसे एडम स्मिथ, चाणक्य, भीमराव अम्बेडकर, रिकॉर्डो कार्ल मार्क्स। उसके बाद हमने अध्ययन किया था अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति को तीन भागों में बांटा था, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, अगर विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है या कला है, कोई डाउट। उसके बाद हमने उसकी सीमाएं पढ़ी थी, सीमाएं कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, पहली सीमा बताई थी अर्थशास्त्र केवल किसके द्वारा संपन्न, मानवीय क्रियाओं का समावेश है। सेकंड, अर्थशास्त्र में मानवीय क्रियाओं का आर्थिक क्रियाओं सॉरी पहले मानवीय क्रियाएं की जाती हैं, सेकंड आर्थिक क्रियाएं की जाती, थर्ड सामाजिक वास्तविक एवं मनुष्य की क्रियाएं, और फोर्थ अर्थशास्त्र वास्तविक भी हो सकता है, आदर्श भी हो सकता है और कला भी हो सकता है, कोई डाउट। आज आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट की क्लास यहाँ ओवर होती है, अगर कोई डाउट्स हो तो आप कॉलेज में आके पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।